अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अब्दुल्ला खान, वेलकम टू माई व्लॉग। और ये है पार्ट टू ऑफ द लाहौर सीरीज, डे टू। तो ये जो दिन था, ये बड़ा स्पेशल दिन था, 23 अक्टूबर। इतनी शदीद किस्म की बारिश हुई ना लाहौर में, इतनी शदीद किस्म की, जिंदगी में मैंने आज तक इतनी शदीद बारिश कभी नहीं देखी। और क्या माहौल बन गया था कसम से। ऑब्वियसली क्या कहते हैं, पिछले रात हम बहुत लेट सोए थे, मूवी देख के आए थे ना, तो फिर हम उठे, काफ़ी लेट उठे, तो शाम को ही उठे ऑलमोस्ट, तो रात वैसी हो चुकी थी। तो हमने प्लान किया यार चलते हैं, थोड़ा घूमते घूमते हैं गाड़ी शाड़ी पर, क्रूजिंग करते हैं, क्रूजिंग। तो जब हम गए तो बारिश हल्की हल्की शुरू होगी, हमने कहा चलो नॉर्मल है, बारिश हो रही है आराम से। फिर वो थोड़ी तेज़ होती गई, फिर और तेज़ होती गई, फिर और तेज़ होती गई, हमने कहा तो बड़ी तेज़ बारिश हो रही है। ऑन टॉप ऑफ दैट ओला बारिश शुरू हो गई, मतलब कि एंड लेवल नहीं होता, धस धस धस, हमारी गाड़ी ठक 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 की आवाज़ें आ रही। हमने कहा गाड़ी गई आज। फिर हम साइड पर रुके, शेड के नीचे रुके, फिर हमने माहौल चेक किया बाहर, क्या माहौल था, मज़ा आ गया यार। इट वॉज़ अ वेरी मेमोरेबल डे। और फिर हमने डिसाइड किया यार इस माहौल का पूरा पूरा फ़ायदा उठाते हैं, लाहौरी खाना खाते हैं, थोड़ा सा देसी खाना। तो फिर हम गए एक जगह, मुझे याद नहीं कौन सी जगह थी, बहुत मतलब कि ना ढाबा टाइप था, वहाँ पर गए और वहाँ पर क्या खाना था यार। हमने चरगा खाया, मछली खाई हमने, हमने कबाब खाए, चीज़ टिक्का खाया, ओए होए होए, और साथ में वो बारिश वाला माहौल, क्या मज़े का दिन गुजरा था कसम से। मुझे इतनी किसी आता, क्या वाइब थी यार, लाहौर वैसे लग रहा था सिटी ऑफ लाइट्स बनी हुई है, इतनी खूबसूरत। मतलब कि पता है ना, जो ड्रॉपलेट्स के अंदर लाइट आती है तो क्या खूबसूरत सी शाइन बन जाती है, एक बड़ा कमाल माहौल बना हुआ था। और जैसे ही हर चीज़ सबसे सही जा रही थी, फिर एक चीज़ हो गई जो मेरे साथ पहले कभी भी नहीं हुआ। हम जा रहे थे गाड़ी पर, घर वापस जा रहे थे, तो एकदम से खड्डा सा दुरुस्त करके हमारी गाड़ी लगी। हमने कहा यार ये क्या हुआ है, हमने कहा कुछ नहीं हुआ, खड्डा खड्डा होगा, हम चलते गए आगे, चलते जा रहे हैं भाई, चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। उसके बाद एकदम से हमारा टर गड़गड़ करने लग गया, साउंड इफेक्ट चेक कर रहे, और एकदम से हमारी गाड़ी रुक गई। मतलब ना कब हमें लगा था कि टायर पंचर हो गए। फिर हम बाहर गए, देखा तो टायर फुल फ्लैट हुआ हुआ। इब्राहिम और मेरी तो उधर ही हंसी निकल गई कि हमारे साथ हुआ क्या, और बारिश सब की थोड़ी थोड़ी हो रही थी। तो फिर हमने चाचा को बुलाया, उन्होंने टायर निकाला और लगाया। इट वॉज अ फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं इस तरह होते हुए। लेकिन इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस मैं नहीं कहूँगा, लेकिन फन एक्सपीरियंस था कि यार ये हुआ क्या हमारे साथ, मिडल ऑफ नो वेयर। हम पहले थोड़ा सा घूम गए थे, हमें रास्ता नहीं मिल रहा था घर का, लेकिन तो उसके पास टायर फ्लैट हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा टायर वापस वगैरह लगाया, और फिर हम घर वापस आए। तो दैट वॉज एन इवेंटफुल डे, और बस इट वॉज फन। तो दूसरा दिन हमारा थोड़ा स्लो गुजरा, लेकिन मतलब स्लो नहीं, थोड़ा छोटा दिन था, क्योंकि हम बहुत सोने में टाइम उन्हें गुजार दिया, लेकिन फिर भी बड़ा मजा आया। बारिश होगी और खाना बड़ा कमाल खाया, और उसके ऊपर टायर फ्लैट हो गया। तो खैर यही सीन था, अब मॉन्टाज देखें एंड आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट पार्ट। खुलते याद थे सैलाब चल रहे आगे। कभी ना कुछ भी मैं कहना, कभी ना कुछ भी मैं कहना। यार हम यहाँ पर गुम हो गए, मतलब नो वेयर, हमारा टायर फ्लैट हो गया, कान पे फ्लैट हो गया टायर उधर। मजाक करने का टाइम नहीं है, टायर फ्लैट हो गया, टायर फ्लैट कर दीजिए, शर्म आनी चाहिए। धूप में मेरी ये कहानी, दास्तां जो है पुरानी, साथ हम रहेंगे ये उम्मीद करके बैठे थे।
जगह।